कोड़े को पोर्ट्रेट कर रही है, कल भी किया था, आज भी कर रही है, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र नहीं दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, झूठ बोलकर दिल्ली के लोगों से वोट उन्होंने लिया है। तीन तीन बार उनकी सरकार बनी है, पिछले 10 साल से वो दिल्ली को रूल कर रहे हैं। 2013 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप सभी को मालूम है, अरविंद केजरीवाल ने दर्जनों बार ये कहा कि यदि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और पीने के पानी की जो उपलब्धता दिल्ली के लिए जो हमें करनी थी वह भी अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब बरसात होती है तो बरसाती पानी यमुना में बह जाता है, हम उसको दिल्ली में ही स्टोर करेंगे और उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि हम सोनिया विहार और पल्ला के आसपास सैकड़ों रेनी वेल लगाएंगे, एक भी रेनी वेल नहीं लगा। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि मुरादनगर से हमें 150 एमजीडी पानी मिलना है, हम पाइपलाइन बिछाकर 150 एमजीडी पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, जो कसूर डैम है उससे भी हम 150 एमजीडी पानी की लाइन बिछाकर दिल्ली को उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए हम 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूँ। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था, आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। पूरा जल बोर्ड इन्होंने लूट लिया, उसको बर्बाद कर दिया, एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं, और 8,500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। ये आतिशी ने फिर कल आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही पानी का डैमेज कर रहे हैं। देखिए, आतिशी झूठी है, आतिशी को मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप अपने चैनल पर उसको बुलाइए, मैं भी आऊँगा और इस पर चर्चा करा ले कि भाई किसका दोष है। उनको झूठ बोलना, आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि हम 25-25 करोड़ रुपया उनके विधायकों को देकर तोड़ना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा मेरे पास वीडियो है। जब हमने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए, जब पुलिस इनके घर पे पहुंची ये भी भाग खड़ी हुई, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को किसी तरह का भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला पानी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है और इनकी जो इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की उसको डिसमिस कर दिया है। तो ये झूठे लोग हैं, ये हिटलर की औलाद है। हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे, अब इन्होंने हजारों तरह के झूठ बोले हैं, अब लोग उसको सच मानते नहीं हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 7 सीटों पर दिल्ली के मतदाताओं ने इनको ऐसी मारी है, अगर इनको थोड़ी भी शर्म हो तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और आतिशी को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। केजरीवाल, इस्तीफा दो, केजरीवाल, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा
दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल, इस्तीफा दो, फोड़ दो, फोड़ दो, यही ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए। फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज।